पहुंचे और प्रभु ने हमें जीवतों के मध्य में रखा, यह सौभाग्य दिया कि हम फिर से प्रभु के चरणों में आ सकें और प्रभु के वचन को प्रभु के आत्मा के अनुसार देख सकें। दोस्तों, कई विद्वानों ने चाहा, कई राजाओं ने चाहा, कई भविष्यवक्ताओं ने चाहा कि वे परमेश्वर की बातों को समझें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और प्रभु को ये उचित लगा कि हम जो जगत के मूर्ख समझे जाते हैं, जो कुछ नहीं समझे जाते हैं, हम पर अपने वचन को प्रकट करें। इसलिए नहीं कि हम में योग्यता है, हम उसका पवित्र नाम लेने, उसकी आराधना करने के भी योग्य नहीं, लेकिन जैसे भी हैं हम प्रभु के पास आते हैं। सो आज के महत्वपूर्ण अध्ययन में जो है नया आकाश नई पृथ्वी, प्रकाशित वाक्य का 21वां अध्याय, उसकी पहली 8 आयतें, नया आकाश नई पृथ्वी। और प्रभु यीशु मसीह जब स्वयं पृथ्वी पे थे, प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूं कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। नया आकाश जो गैलेक्सी हम मनुष्यों के लिए अल्टीमेट है, सूर्य उसका केंद्र बिंदु, ग्रह मंडल उसके चारों ओर, पृथ्वी उनमें से एक ग्रह, और पृथ्वी के चारों ओर उसका उपग्रह चंद्रमा, और फिर तारागण, फिर दिनों का होना, फिर सप्ताह का होना, फिर वर्ष का होना, फिर महीनों का होना, फिर जो है सीजन, ये सब प्रभु के द्वारा निर्धारित है, सब प्रभु के द्वारा निर्धारित है। सो दोस्तों, हम बार बार प्रभु को जो है समर्पित होते हैं, बार बार प्रभु को समर्पित होते हैं, और ये कि जब तक प्रभु ना आए हम प्रभु के प्रति वफादार रहें, और यदि हमारी मृत्यु हो तो हम परमेश्वर के साथ जाने वाले हो सके। सो और दोस्तों जो है प्रभु हमसे सिर्फ यहां नहीं, वरन हमने आरंभ से देखा कि प्रभु अपने लोगों पर अपने वचन को प्रकट किया चाहते हैं। और जो है 21वां अध्याय पहली आयत में लिखा है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। और देखें, यूहन्ना तो इतना ज्ञानी नहीं था कि उसको ये सब गैलेक्सी की बातें समझ में आए। और प्रभु ने कहा ये गैलेक्सी जो है सूर्य चंद्रमा तारागण आकाश ऐसे लपेट जाएगा जैसे पत्र लपेटने से पलटता है, और ये नहीं लेकिन नया आकाश और नई पृथ्वी होगी, नया आकाश और नई पृथ्वी होगी। और यूहन्ना ने जो है जैसा पवित्र आत्मा उसको बताए जा रहे थे वैसा लिख दिया, क्योंकि पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर, और परमेश्वर से बड़ा कोई और ज्ञानी नहीं। परमेश्वर ने इन चीजों को रचा है, परमेश्वर ने इन चीजों को रचा है, और वो बोलता है मैंने नया, आई सॉ न्यू हेवन एंड न्यू अर्थ रिप्लेसिंग द मिलेनियम हेवन एंड अर्थ, जो आज का आकाश और पृथ्वी है ये सब हट गए, ये सब हट गए। और जैसा हमने देखा कि इस पृथ्वी पर जो बुराइयां और बुराइयां और बुराइयां थी, वो बुराइयां भी इसके साथ जाती रही, इसके साथ जाती रही, और शैतान और उसके दूत और उसके स्वर्गदूत, उसकी त्रेता, उसके साथ हो लिए हुए सारे लोग जो इस अनंत आग में डाल दिए गए, जिसका वर्णन हमने पिछली बार देखा था। और आज हमने देखा कि जब शैतान उस अनंत आग में डाल दिया गया तो फिर पाप की कोई जगह नहीं रही, पाप की कोई जगह नहीं। और जो शब्द नया है, नया है, इसके लिए जो ग्रीक शब्द आया है केनॉन,
नया नया नियोस न्यू इन टाइम। और इनके अनुसार फिर समुद्र नहीं, फिर पृथ्वी नहीं, और फिर नया स्वर्ग, नया आकाश और नई पृथ्वी। और आज हमको दोस्तों, हमारे पास भी ऐसे शब्द नहीं है मनुष्य जाति के पास में कि इनका वर्णन देख सके। जैसे न्यू के लिए मैंने आपको बताया कैनोस, क्वालिटेटिव एंड न्यूमेरिकली न्यू, पहला आकाश, पहली पृथ्वी, पहला का ज्ञान, सब विज्ञान और सब जाता रहा। नया आकाश, आकाश हिंदी में जो है दोस्तों इतना अच्छा नहीं, लेकिन अंग्रेजी में हेवन और ग्रीक में ओरेनोस। सो नया आकाश नहीं, नया स्वर्ग, लिटरली जो आना था वो स्वर्ग आना था। और नई पृथ्वी, पृथ्वी के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ ग्रीक में जी, पुराना आकाश पुरानी पृथ्वी जाती रही। पपर को माय, और ये जो है जाते रहे। यमुना बोलता है उसके अनुसार जो है, यमुना के पास में जो है, जो पवित्र आत्मा ने उसको शब्द दिए, उसने उसको लिपिबद्ध किया। यमुना को इनके बारे में कोई ज्यादा ज्ञान नहीं है दोस्तों, यमुना को कोई ज्यादा ज्ञान नहीं है। नया आकाश, नई पृथ्वी, और उत्पत्ति के पहले अध्याय में हमने देखा कि सारी पृथ्वी बेडोल थी और सब तरफ जल ही जल था, और जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था। हमको उसके पहले का संसार, उसके कंक्लूडिंग बाइबल के कई विशेषज्ञ बताते हैं, प्री एडिमाइट वर्ल्ड, अंग्रेजी में उसको कहते हैं प्री एडिमाइट वर्ल्ड, ऐसा संसार जो इस पृथ्वी के बनने के पहले था, जिसमें वे स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना करते थे, और वो समय अरबों खरबों वर्ष का था। और लूसीफर परमेश्वर की आराधना करने वालों का इंचार्ज था। लेकिन जब उसने देखा कि मैं भले बुरे के ज्ञान का फल खा चुका हूँ, मैं जीवन के वृक्ष का फल खा चुका हूँ, मेरी मृत्यु नहीं होने की, तो उसने सोचा कि परमेश्वर मेरा क्या बिगाड़ सकता है यदि मैं परमेश्वर के विरुद्ध आ भी जाऊं। और न सिर्फ उसने सोचा, वरन स्वर्ग के एक तिहाई दूतों को उसने भरमाया, और एक तिहाई दूत उसके साथ हुए अरबों खरबों वर्ष। और तब परमेश्वर ने ऐसी आग बनाई जो बुझती नहीं, और अंतिम न्याय में शैतान और उसके दूतों को, उसके त्रेता को, और पृथ्वी पे जो लोग उसके पीछे हुए हैं, उन सबको इस जगह में, जिसका वर्णन हम देख चुके हैं, और नया आकाश और नई पृथ्वी में कोई जो है, नई पृथ्वी की कोई चीज नहीं रही। नया शरीर प्रभु ने दिया, नई आंखें प्रभु ने दी, नए कान प्रभु ने दिए, नए हाथ, नए पांव, जैसा प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद जो शरीर प्रभु यीशु मसीह को दिया गया, परमेश्वर का आत्मा बोलता है वैसा शरीर हर विश्वासियों को दिया जाएगा, वैसा शरीर हर विश्वासी को दिया जाएगा। नया आकाश, नई पृथ्वी, पुराना आकाश और पुरानी पृथ्वी जाती रही, और समुद्र भी न रहा। नया आकाश, नई पृथ्वी, सब तरफ दोस्तों हमारे पास ऐसा वर्णन करने के लिए लोगों के पास शब्द नहीं, लोगों के पास टैलेंट नहीं कि कैसे उन चीजों का वर्णन करें। जो पॉसिबल चीजें हैं वो
जो है आपको मैं बता रहा हूँ, नया आकाश नई पृथ्वी, नया आकाश नई पृथ्वी। और आगे इसका वर्णन आया है कि उसमें सूर्य नहीं, उसमें चंद्रमा के उजाले का कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि सूर्य को बनाने वाले परमेश्वर से वहां उजाला हो रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि उसका प्रकाश कैसा होगा जो दिन और रात चमकता है, वो रात वहां होगी नहीं, और उसकी गर्मी में लोग झुलसेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें नया शरीर मिलेगा जो परमेश्वर के सामने उपस्थित रहे, परमेश्वर के मुख को निहार सके, ऐसा शरीर। इसलिए कहा गया मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के भागीदारी नहीं हो सकते, लेकिन दूसरा शरीर, जैसे प्रभु यीशु मसीह का जी उठने के बाद का शरीर था, वैसा शरीर जो दीवारें उसको रोक नहीं पा रही थी, दूरियां उसको रोक नहीं पा रही थी, ग्रेविटी उसको रोक नहीं पा रही थी, उसके हाथ में, उसके पांव में और उसके पंजर में वो कीलों के निशान थे। उसने खाया, उसने बोला, उसने कपड़े पहने बैठे, और प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में आया कि उसके मुंह से चोखी दोधारी तलवार निकलती थी, उसका मुंह ऐसे प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी दोपहर के समय चमकता है, वो पांव तक का वस्त्र पहने हुए था, उसकी आंखें आग की ज्वाला थी, उसके सिर के बाल श्वेत ऊन वरन पाले के से उज्जवल थे, और उसका चेहरा ऐसा चमकता था। यूहन्ना के पास पृथ्वी के गुण और वो स्वर्गीय बातों को देख रहा है, स्वर्गीय बातों को देख रहा है। सो दोस्तों, प्रभु ने उससे कहा, जब यूहन्ना ने देखा तो यूहन्ना उनके पैरों पर गिर पड़ा, तो प्रभु ने कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम हूं, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं मर गया था, ये बात सच है, वो क्रूस पे मैं मर गया था, लेकिन अब देख युगान युग जीवता हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है, नया स्वर्ग, नया आकाश, नई पृथ्वी। और दोस्तों, वहां पर हम युग युगान से युग युगान तक अपने पिता के साथ रहेंगे, उसके सामने उपस्थित होंगे दिन और रात जो है वहां रात होगी ही नहीं। हमारा प्रभु आज भी नहीं सोता है, ना ऊँघता है, उसकी निगाहें पृथ्वी पर लगी रहती हैं, घूमती रहती हैं, देखें कि किसका मन उसकी ओर है। नया आकाश और नई पृथ्वी, सब कुछ नया कर देता हूँ। पुरानी बातें जाती रहीं, नया यरूशलेम, उसमें एपिसोड में हम देखेंगे नया यरूशलेम पृथ्वी पर उतरा, और इस पृथ्वी पर जो है 1000 वर्ष का जो है राज्य रहा, 1000 वर्ष का जो है राज्य रहा। और दोस्तों, ऐसा परमेश्वर जो है हमारा परमेश्वर। और फिर वहां लिखता है, फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए सिंगार किया। नए यरूशलेम को परमेश्वर के पास से उतरते देखा, कहां पर? इस पहली पृथ्वी पर। और हमने देखा था मिलेनियम किंगडम, उस 1000 साल के लिए इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह का राज्य, और उसके साथ वे लोग जिनके जो शहीद हुए थे प्रभु के नाम के कारण से, प्रभु के वचन के कारण से, और अपनी गवाही के कारण से जो लोग शहीद हुए थे वे जीवित हुए। इसको प्रथम पुनरुत्थान कहा गया,
वे इस नए यरूशलेम में। और एक बार चेलों ने उससे पूछा, प्रभु से पूछा कि प्रभु हमें क्या मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जब नए यरूशलेम में 12 फाटक 12 प्रेरितों के नाम पर, और तुम प्रत्येक गोत्र का न्याय करोगे, प्रत्येक गोत्र का न्याय करोगे, और उसकी नेवे 12 गोत्रों के नाम, याकूब को भरोसा नहीं होगा कि उसके बेटों के नाम पर वे जो है नीव नए यरूशलेम के, और नया यरूशलेम परमेश्वर के पास से, और परमेश्वर के पास से जब उतरा तो परमेश्वर ने उसका मापदंड हमको समझाने के लिए जो इस्तेमाल करा वो स्क्वायर, उसकी चौड़ाई, ऊंचाई, उसकी लंबाई सब एक जैसी थी, और वो आगे दी भी है, और जो है उसने अपने आप को ऐसे तैयार करा जैसे दुल्हन अपने दूल्हे के लिए तैयार होती है, जैसे दुल्हन अपने दूल्हे के लिए तैयार होती है, और जो है इस दुल्हन में जो लोग हैं वे सार्वभौमिक कलीसिया एशिया, अफ्रीका, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, और यूरोप, और अंटार्कटिका, और ऑस्ट्रेलिया, पृथ्वी के सारे लोगों में जो ईमानदारी और सच्चाई से प्रभु के साथ हो लेते हैं, वे इस दुल्हन में शामिल है। दोस्तों, इसमें स्त्री पुरुष का, एजुकेटेड अनएजुकेटेड का, दास स्वामी का, अमीर गरीब का कोई अंतर नहीं। ये देखा गया कि किसने प्रभु यीशु मसीह को ईमानदारी से अपने जीवन में ग्रहण करा और पवित्र शब्द के लिए जो ओरिजिनल शब्द आया हेगियोस, होली, राइचेस, अनपॉल्यूटेड, और स्वर्ग के लिए हमने देखा ओरेनोस, और नया यरूशलेम, पवित्र नगर, नए यरूशलेम को स्वर्ग से, नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान तैयार थी जो अपने पति के लिए सिंगार किए, उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए सिंगार किए थे। हम आगे देखेंगे, 3 गेट पूरब में, 3 गेट पश्चिम में, 3 गेट उत्तर में, 3 गेट दक्षिण में, फिर 12 नेवे, 12 गोत्रों के नाम, ये 3 गेट एक एक मोती का, पृथ्वी पर ये स्थान जो है पुराना यरूशलेम। और ऐसी मान्यता है कि नया यरूशलेम जो लिटरली पृथ्वी के लोगों के अनुसार होगा, इसके नाप बताए गए, वो यहीं पर जहां आज पुराना यरूशलेम है यहीं पर उतरेगा। और उसने अपने आप को ऐसे तैयार कर लिया जैसे जो है एक स्त्री जो अपने पति के लिए, दुल्हन जो अपने पति के लिए तैयार हो, ऐसी शोभा। और इस दुल्हन में जो लोग हैं उस सारे विश्व के, काले गोरे, स्त्री पुरुष, जिन्हें सब अन्य जातियों से जो परमेश्वर के पास आए, ईमानदारी से परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर ने उन्हें अपने स्वर्ग में ये स्थान दिया, उन्हें इस कलीसिया में शामिल करा, होली सिटी, पवित्र नगर, उस दुल्हन ब्राइड, दुल्हन परमेश्वर के, उस मेमने की पत्नी, परमेश्वर के मंदिर, परमेश्वर का नगर, स्वर्गीय यरूशलेम जो है
पहले जो है पुनरुत्थित लोगों की मंडली यरूशलेम ऊपर से जो है ये 12 गेट 3 पूरब में 3 पश्चिम में 3 उत्तर में 3 दक्षिण में और जो है उन 12 गेटों पर जो है 12 गोत्रों के नाम, 12 गोत्रों के नाम जो है याकूब को भरोसा नहीं होगा कि परमेश्वर ने उसके बच्चों के लिए ऐसा एक एक गेट एक एक मोती का, एक एक गेट एक एक मोती का, और ये जो है क्यूब चौरस चौरस यरूशलेम और 12 गेट 12 नेवे और परमेश्वर की उपस्थिति इसमें। और हमने ये देखा था कि ऊपर से नया यरूशलेम परमेश्वर के पास से स्वर्ग से ये यरूशलेम उस जगह जहां आज का पृथ्वी का यरूशलेम है, इस जगह परमेश्वर की महिमा इसमें थी, परमेश्वर की महिमा इसमें थी। और यूहन्ना बोलता है मैंने देखा कि ऐसा बड़ा जो है दृश्य, ऐसा बड़ा दृश्य जो है परमेश्वर के पास से। और जो है फिर वो बोलता है कि मैंने जो दृश्य देखा और एक फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे सबसे यह कहते सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में, नंबर एक वह उनके साथ डेरा करेगा, नंबर दो और वे उसके लोग होंगे, नंबर तीन और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा, चार और उनका परमेश्वर होगा। क्या सुंदर बात दोस्तों, क्या सुंदर बात कि परमेश्वर आप उनके बीच में रहेगा, उनका परमेश्वर होगा, उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर स्वयं उनका परमेश्वर होगा, परमेश्वर स्वयं जो है उनका परमेश्वर होगा। और जैसी आदम और हवा परमेश्वर की उपस्थिति में उस अदन के बगीचे में पाप करने के पहले परमेश्वर की उपस्थिति में एंजॉय करते थे, आनंदित होते थे, वैसा माहौल फिर इस पृथ्वी पर इस नए यरूशलेम में। और जो है लिखा है कि परमेश्वर ने ऐसा कर दिया कि जो ईमानदारी से परमेश्वर के साथ हो लिए थे, परमेश्वर ने उनको ऐसा पुरस्कार दिया। और जो परमेश्वर का तंबू जो हिंदी में आया है दोस्तों, वो टेबरनेकल अंग्रेजी में आया के परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में। और टेबरनेकल सकी में हैबिटेशन, परमेश्वर जो शब्द आया उसके लिए थियोस, मनुष्य के लिए जो शब्द आया एंथ्रोपोस, लोगों के लिए जो शब्द आया लाओस, और परमेश्वर इनके साथ होगा, इनका परमेश्वर होगा, इनके साथ डेरा करेगा,
ये उसका मुख देखेंगे, ये उसका मुख देखेंगे, और परमेश्वर युग युगांत तक इनके साथ रहेगा। और फिर आगे लिखा है, यहां नहीं, आगे लिखा है परमेश्वर इनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक न विलाप न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही, पृथ्वी की बातें जाती रही, परमेश्वर आप अपने लोगों के बीच, आप अपने लोगों के बीच में। और जो स्थिति यहाँ थी इस तंबू में, लोग जो है उनको खिला रहा था परमेश्वर मन्ना के रूप में, उनको पानी पिला रहा था प्रतिदिन में, आग का खंबा, रात में बादल का खंबा, 2400 घंटे परमेश्वर की उपस्थिति। पृथ्वी के लोग थे लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति में क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है वे लोग जो परमेश्वर के साथ ऐसा जीवन। और परमेश्वर जो है दिन में बादल का खंबा और रात में आग का खंबा, वैसी उपस्थिति परमेश्वर की अपने लोगों के साथ लिटररी हो गई दोस्तों। ये कथा कहानियां नहीं, ये कथा कहानियां नहीं, ये परमेश्वर का जीवित वचन है, ये परमेश्वर का जीवित वचन है। और परमेश्वर जो है उनके साथ रहेगा, और लिखा है कि परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु नहीं रहेगी, न शोक रहेगा, न विलाप रहेगा, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही, फिर से पांच चीज, परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। फिर दूसरी महत्वपूर्ण चीज, मृत्यु नहीं। तीसरी चीज, शोक नहीं। चौथी चीज, रोना नहीं। पांचवी चीज, कोई दर्द नहीं। पहली बातें जाती रही। और जो है जो मसीह में परिपक्व है वो जानते हैं कि कैसे आशीष के पहले कैसे दुख उठाने पड़ते हैं इस पृथ्वी के जीवन में, कैसा दर्द, कैसा शोक जो है मसीह जीवन में बिना कहे आ जाता है। मृत्यु ने किसी को रहने नहीं दिया, लेकिन उस अनंत जीवन में कोई मृत्यु नहीं, कोई शोक नहीं, कोई आंसू नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई बीमारी नहीं। और परमेश्वर ने सारी चीजों को नया कर दिया, पुरानी बातें जो है जाती रही, जो नए यरूशलेम में आंसू नहीं, मृत्यु नहीं, रोना नहीं, दर्द नहीं। आज पृथ्वी पर यही चीज हो रहा है, लेकिन स्वर्ग के जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। ये परमेश्वर के सत्य वचन है, परमेश्वर के सत्य वचन है दोस्तों। फिर कोई पाप नहीं होगा, फिर कोई शैतानी बात नहीं होगी, और लोग परमेश्वर के बेटे बेटियों जैसे परमेश्वर के साथ रहेंगे। और जो है परमेश्वर उनके बीच में रहेगा, मृत्यु नहीं, थेनेटोस जो सांसारिक मृत्यु आज जिससे डर लगता है, शारीरिक मृत्यु जिससे डर लगता है हर व्यक्ति को घेरे हुए, सिर्फ मसीह लोग बोलते हैं जो कल मरना था तो आज मर जाए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसको मालूम है मैं इस जगह चला जाऊंगा जहां मृत्यु नहीं, मैं अपने बाप के साथ रहूंगा। फिर दर्द नहीं, दुख भरे दिन नहीं, फिर शोक नहीं, आंसू नहीं,
और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और फिर रोना नहीं। परमेश्वर अपने लोगों के दर्द को जानता है। जब वो पृथ्वी पर था उसके भी आंसू बहे थे, लाजर की कब्र पर वो रोने लगा था, यरूशलेम में उसने प्रवेश करा रोने लगा था। लोगों ने कहा देखो उसके आंसू बह रहे। आज वो समझता है कैसे इन आंसुओं की कीमत। दाऊद बोलता है मेरे आंसुओं को अपने कुप्पी में संभाल कर रख, मैं अपना तकिया आंसुओं से भिगोता हूँ। प्रभु मुझे बचा, मेरे आंसुओं का हिसाब रख, क्योंकि एक दिन प्रभु आपके आंसुओं को पोंछ डालेगा। इसके बाद मृत्यु नहीं होगी और न शोक होगा, न विलाप होगा, न पीड़ा होगी। और पहली बातें पृथ्वी की जाती रहीं। परमेश्वर के लोग, इससे बड़ा आनंद क्या होगा कि परमेश्वर आप अपने लोगों के साथ रहेगा। परमेश्वर आप अपने लोगों के साथ रहेगा, फिर दर्द नहीं होगा। आप परमेश्वर के मुख को देखेंगे, उसके साथ रहेंगे दिन और रात। ऐसा होगा, मौत नहीं। दोस्तों क्या चाहिए, ऐसा परमेश्वर हमारा पिता है। फिर आगे लिखा हुआ है, फिर रात नहीं होगी, सूर्य और चंद्रमा के उजाले का प्रयोजन नहीं होगा, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा को बनाने वाले से उजाला हो रहा है। सूर्य और चंद्रमा के बनाने वाले से उजाला हो रहा है। सो ये वो महत्वपूर्ण चीज। और परमेश्वर बोलता है कि देखो, और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। लिख ले, ये कथा कहानियां नहीं है, ये विश्वास के योग्य और सत्य वचन है। राइट फॉर दिस वर्ड और True and faithful. लिख ले योना, जो बातें मैंने तुझे बताई हैं, वो सब सत्य है, विश्वास के योग्य है, और जो है मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। वैसी स्थिति जो आदम की अदन के बगीचे में, वैसी स्थिति जो पाप के पहले स्वर्ग में थी, प्रभु वैसी स्थिति को फिर से ले आया। फिर मृत्यु नहीं, फिर शोक नहीं, फिर पाप नहीं, फिर आंसू नहीं, फिर पीड़ा नहीं। और प्रभु अपने लोगों के साथ दिन और रात वे उसका मुंह देखेंगे, उसके साथ होंगे, और हमेशा के लिए न्यू नया जो है हमने देखा कैनोस। लिख ग्राफो, लिख, ये सत्य है। एलिथिनोस, ये सत्य वचन है और विश्वास योग्य है। फेथफुल, पिस्तिस, ये सत्य वचन है और जो है लिख ले, ये कथा कहानियां नहीं है योना, ये मेरे लोगों को बता दे, मेरे लोगों को बता दे, ये परमेश्वर के सत्य वचन है, ये कथा कहानियां नहीं है। और जो है फिर उसने मुझसे कहा ये बातें पूरी हो गई हैं, मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूं। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेत में पिलाऊंगा। मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं प्रथम और अंतिम हूं,
मैं आदि और अंत हूँ, ये सब बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा, मैं प्रथम और अंतिम, और मैं जो प्यासा है उसको जीवन के जल के सोते में से मुफ्त में पिलाऊंगा। और जीवन जल का सोता कोई और नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह। और देखें, पहले अध्याय में भी प्रभु ने ये शब्द इस्तेमाल करा, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं अल्फा और ओमेगा हूं। और 21वें अध्याय में भी प्रभु बोलता है, मैं प्रथम और अंतिम हूं, मैं प्रथम और अंतिम हूं। कई लोगों का कहना है कि परमेश्वर को भी तो किसी ने बनाया होगा। यदि एक गोला है, उसके बाहर एक गोला है, उसके बाहर एक गोला, उसके बाहर एक गोला, तो एक गोला ऐसा भी है जो परमेश्वर है और उसके बाहर भी एक गोला है। ये एथिस्ट, ये नास्तिक लोगों का विचार। तो परमेश्वर ने कहा कि गोले में जहां से पकड़ो, जहां से पकड़ो, वो प्रथम बिंदु है और उसी जगह फिर आ जाओगे। अंतिम, मैं प्रथम और अंतिम, मैं प्रथम और अंतिम हूं, मैं अल्फा और ओमेगा हूं। और पहले अध्याय में 8वीं आयत तो ठीक है, उधर 15 आयत के बाद स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं मर गया था, अब मैं युगान युग जीवता हूं, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है, मेरे ही पास है। और प्रभु ने कहा यूहन्ना में, जो ये जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, लेकिन जो जल मैं उसे दूंगा वो फिर कभी प्यासा ना होगा, वो फिर कभी प्यासा ना होगा। अल्फा, फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ ग्रीक, ओमेगा, लास्ट लेटर ऑफ ग्रीक, बिगिनिंग, आरंभ, आर्के, एंड, टिलियो, टिलोस, और फाउंटेन, सोता, पेगे, मैं जीवन जल का सोता। जीवन के लिए जो शब्द आया, जाओ जाओ, और मैं प्रथम और अंतिम हूं, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं प्यासे को जीवन के जल के पास ले आऊंगा, वो फिर कभी प्यासा ना होगा। जब पृथ्वी पे थे उन्होंने सामरी स्त्री से कहा, जब मूसा लोगों को जंगल में लिए चला, चट्टान में से पानी निकला और वो चट्टान कोई और नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह। जब खुद प्रभु थे उन्होंने कहा, और अब स्वर्ग में भी, कि मैं जीवन जल का सोता हूँ, मैं जीवन जल का सोता हूँ, जो पानी तुम पृथ्वी में से पीते हो वो फिर उससे प्यास लगती है, लेकिन जो पानी मैं दूंगा वो उसके जीवन जल का सोता बन जाएगा, वो जीवन जल का सोता बन जाएगा। मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, और मैं प्यासे को जीवन जल के सोते के पास ले आऊंगा, और जो प्यासा हो वो मेरे पास आए, जो प्यासा हो वह मेरे पास आए, मैं उसको जीवन जल के सोते में से पिला दूंगा। और प्रभु अपने लोगों के लिए कहता है, जो जय पाए, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। तीन चीज प्रभु ने बोल ली। पहली चीज, जो जय पाए, जो जय पाए, और दूसरी चीज, मैं उसका परमेश्वर होऊंगा, और तीसरी चीज, वह मेरा पुत्र होगा, वह मेरा पुत्र होगा। सो दोस्तों, जीवन में स्ट्रगल जो है, आत्मिक युद्ध, ये तब से जारी होता है जब से आप प्रभु के पास आते हैं, और शैतान आपके विरुद्ध में अपनी सारी फोर्सेस लगा देता है कि आपको कैसे न कैसे करके गिराए। वो इजराइल के जीवन में ऐसा करने में सफल रहा, उसने साउल के जीवन में, यहूदा इस्करियोती के जीवन में, कई विश्वासियों के जीवन में, रोम की कलीसिया में ऐसा करने में सफल रहा।
लेकिन जो अंत धीरज धरेगा, अंत धीरज धरेगा, जिसने जय प्राप्त करी, परमेश्वर बोलता मैं उसका परमेश्वर हूंगा और वह मेरा पुत्र होगा। सो जो स्ट्रगल है लाइफ में वो उसमें हारे नहीं, युद्ध आपका नहीं है, आप परमेश्वर के पीछे, क्रूस के पीछे अपने आप को छिपाएं, अपने आप को परमेश्वर के क्रूस के पीछे छिपाएं। जितनी भी मुसीबत आएंगी वो क्रूस से फिल्टर होकर आप तक आएंगी, अननेसेसरी चीजें आपके जीवन में प्रभु आने ही नहीं देगा। इनहेरिट होगा, किरोनोमियो इनहेरिट, वारिस। परमेश्वर बोलता मैं उसका परमेश्वर थियोस और वो मेरा सन हुयोस। और चाइल्ड के लिए टेकनॉन शब्द है,
धन्यवाद प्रभु, अपने लोगों से बातें करने के लिए, अपने लोगों को आपने मन फिराने के भरपूर अवसर दिए। एक अवसर ये भी दिया प्रभु कि जिनके कानों में ये वाणी जाए, वे यदि मन फिराते हैं ईमानदारी और सच्चाई के साथ, तो प्रभु आप जो कान देते हैं तो खुद भी सुनते हैं, आप जो आंख देते हैं तो खुद भी देखते हैं, आप जो मन देते हैं तो खुद भी सोचते विचारते हैं। प्रभु ऐसे लोगों को ग्रहण करें, इनके अपराधों को क्षमा करें, जीते जी प्रभु इनको मोक्ष का, नजात का अनुभव प्रदान करें। हम आपके इन लोगों को आपके उस अनंत जीवन में अपने साथ देखना चाहते। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me. So all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.